देखिए, देश के राजधानी से ऐसी तस्वीरें नहीं बननी चाहिए। पुलिस की वर्दी पहने अधिकारियों की अपनी जिम्मेदारी होती है, यहाँ कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, आज उनको जवाब देना चाहिए। क्या वो समझते हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो पॉक्सो एक्ट में FIR हुई उस पर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, देश के वो पहलवान जिन्होंने मेडल जीते हैं देश के लिए, आज वो न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या वो बहुत बड़े अपराधी हैं पुलिस की नज़र में? जिस तरह से उनको घेरा गया, जिस तरह से उनके साथ मारपीट हुई, दुर्व्यवहार हुआ, ये निंदनीय है। जितनी हम इसकी आलोचना करें कम है, बर्दाश्त के बाहर है। सर, जाट नेता को ये कहना है कि आज जितने ऑल ओवर जो हरियाणा से जाटों को दिल्ली बुला, नहीं बात जाटों की नहीं, शाम तक दिल्ली को और आने का चक्का जाम। भैया, जाटों की बात नहीं है, ये नौजवानों की बात है, महिलाओं की बात है, बहन बेटी के सम्मान का सवाल है, राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। देश के पहलवानों के साथ न्याय करो, न्याय करो। देश के पहलवानों के साथ न्याय करो, न्याय करो। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। देखिए, देश के राजधानी से ऐसी तस्वीरें नहीं बननी चाहिए। पुलिस की वर्दी पहने अधिकारियों की अपनी जिम्मेदारी होती है, यहाँ कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, आज उनको जवाब देना चाहिए। क्या वो समझते हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो पॉक्सो एक्ट में FIR हुई उस पर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, देश के वो पहलवान जिन्होंने मेडल जीते हैं देश के लिए, आज वो न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या वो बहुत बड़े अपराधी हैं पुलिस की नज़र में? जिस तरह से उनको घेरा गया, जिस तरह से उनके साथ मारपीट हुई, दुर्व्यवहार हुआ, ये निंदनीय है। जितनी हम इसकी आलोचना करें कम है, बर्दाश्त के बाहर है। सर, जाट नेता को ये कहना है कि आज जितने ऑल ओवर जो हरियाणा से जाटों को दिल्ली बुला, नहीं बात जाटों की नहीं, शाम तक दिल्ली को और आने का चक्का जाम। भैया, जाटों की बात नहीं है, ये नौजवानों की बात है, महिलाओं की बात है, बहन बेटी के सम्मान का सवाल है, राष्ट्र की अस्मिता का सवाल। देश के पहलवानों के साथ न्याय करो, न्याय करो। देश के पहलवानों के साथ न्याय करो, न्याय करो। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। अकेले केवल घाट घाट।